सुजीत, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रियंका गांधी की सभा को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी की सभा को लेकर तैयारियां है वो पूर्ण रूप से कर दी गई है। मंच है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मंच पूरी तरह से सजा दिया गया है और जो यहाँ पे तमाम लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दूं कि 11:30 बजे प्रियंका गांधी है वो अड़ावता पहुंचेगी और वहाँ यहाँ पर हेलीपैड पर पहुँचने के बाद वो स्वर्गीय सीसराम मोहला की प्रतिमा का अनावरण करेगी और उसके बाद अड़ावता के अंदर जनसभा को संबोधित करेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा मंच सजाया गया है और मंच को संबोधित करेगी किसानों को। मंच को संबोधित करने के बाद आपको बता दूं कि संभवतः महिलाओं को गृह लक्ष्मी गारंटी है उसका भी महिलाओं को तोहफा दिया जाएगा और तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद रखी गई है। जी जी सुजीत, कितने लोगों के आने की संभावना है, खासतौर से महिलाओं के लिए जो है इसमें योजनाओं को, एक योजना है जिसकी लॉन्च, जिसकी घोषणा कर सकती है, क्या कुछ तैयारी, कितनी महिला आ सकती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर महिलाओं की अपन बात करें, साथ ही साथ अन्य लोगों की बात करें तो हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे लोग पहुँचेंगे और मौजूद होंगे और यहाँ पे जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि राजस्थान के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है वो भी आएंगे, सीएम अशोक गहलोत है वो भी यहाँ पर आएंगे और उनके बाद गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है वो भी आएंगे, पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी जी, प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की जा सकती है सुजीत, और इसके अलावा जो है जो महिला वोट बैंक है उसके ऊपर सीधी नजर है और इस हफ्ते में दूसरा दौरा है राजस्थान का प्रियंका गांधी का, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शेखावाटी के अंदर है कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है मुख्य रूप से और उसी को लेकर ये प्रियंका गांधी की सभा है वो अड़ावता के अंदर रखी गई। राजस्थान के अंदर प्रियंका गांधी की दूसरी सभा है। आपको बता दूं कि पिछली बार की अपन बात करें तो सीकर के अंदर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, वहीं यहाँ पर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के अंदर मात्र 1-2 सीटें आई थी, 2 सीटों के बाद सांसद बन गए थे नरेंद्र जी, वो सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई, तो झुंझुनू के अंदर 1 सीट आई थी। कुल मिलाकर अपन बात करें शेखावाटी की तो शेखावाटी के अंदर बीजेपी के पास 3 सीटें आई थी और उसी को लेकर ये पूरा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है शेखावाटी और उसी को लेकर एक प्रियंका गांधी है वो यहाँ पर सभा संबोधित करेगी और महिलाओं को एक गारंटी देगी। जी क्या कुछ तैयारियां, कितने बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल है प्रियंका गांधी का सुजीत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी है वो 11 बजे का जो टाइम आया था, 11 बजे का टाइम उनका आया था, 11 से 11:30 बजे तक उनका हेलीपैड पर पहुंचने का कार्यक्रम है और हेलीपैड पर पहुंचने के बाद है वो स्वर्गीय सीसराम मोहला उनकी प्रतिमा का अनावरण करेगी और उसके बाद यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेगी। जी जी सुजीत, अगर हम इस सभा की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है, साथ ही जो बड़े कुछ बड़े नेता बीजेपी के हैं वो भी कांग्रेस के कुनबे में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी सभा मानी जा रही है शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी के अंदर किसानों को कांग्रेस अपनी ओर खींचने के लिए बड़ी सभा है और बड़ी सभा को प्रियंका गांधी है वो संबोधित करेगी और सीएम अशोक गहलोत वो भी यहाँ पे आएंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी सभा को संबोधित करेंगे और पूरे डिप्टी सीएम है सचिन पायलट वो भी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक है और नेता है, मंत्री है, वो भी इस सभा के अंदर आएंगे और अपन बात करें कि बीजेपी के कुछ एक नेता है वो भी आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो सकते हैं। जी जी सुजीत, अगर हम बात करें पिछली सभा की तो प्रियंका गांधी ने ERCP को लेकर के जनसभा को संबोधित किया था, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, इस सभा में क्या कुछ मुद्दे लेकर संबोधित कर सकती हैं प्रियंका गांधी सभा को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी है वो अड़ावता के अंदर सभा को संबोधित करेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पूरा मंच सजाया गया है, मंच के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं गृह लक्ष्मी गारंटी के, और गृह लक्ष्मी गारंटी वो महिलाओं को दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये गारंटी का वादा है कांग्रेस। जी, और कौन कौन से बड़े नेता कांग्रेस के आज आने वाले हैं, कौन कौन ऐसे नेता हैं जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं? आप सब लोग मेहरबानी करके अपने अपनी जगह को कवर करें। सुजीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे कार्यक्रम को तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। जी सुजीत, डिस्टर्ब नहीं होना पड़े, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। जी सुजीत,
अगर हम बात करें आज की सभा की, तो जो महिला वोट बैंक है उसे सीधी सीधी नजर कांग्रेस की है कि महिला वोट बैंक को कैसे साधा जाए, महिला सशक्तिकरण की बात भी सामने आ सकती है, किस तरह से कांग्रेस मिशन रिपीट में महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज प्रियंका गांधी है वो अड़ावता के अंदर सभा को संबोधित करेगी, और सभा को संबोधित करने के बाद महिला वोट बैंक है, महिला वोट बैंक को कांग्रेस अपनी ओर खिसकाने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी है वो एक गारंटी योजना, गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, वो गारंटी योजना भी महिलाओं को देगी। जी जी, अगर आप हमें तस्वीरें दिखा सके, किस तरह का माहौल है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुजीत जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो मंच है, मंच को सजा दिया गया है, और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, और महिलाओं भी आने शुरू हो चुकी है, और स्कूली बालिकाओं की अपन बात करें कि स्कूली बालिका भी आने शुरू हो चुकी है, और सुरक्षा व्यवस्था की अपन बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। और यहाँ पे मुख्य रूप से आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी है वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पे सबसे पहले वो हेलीपैड पहुंचने के बाद, यहाँ पर हेलीपैड के बाद स्वर्गीय सीसरा मोला की प्रतिमा का अनावरण करेगी, और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेगी, और महिलाओं को गृह लक्ष्मी गारंटी कार्ड की सौगात भी देगी। जी जी सुजीत, अगर हम इस गृह लक्ष्मी गारंटी कार्ड की जो आप बात कह रहे हैं, कर्नाटक में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी चुनाव से पहले, और उसका हमने देखा किस तरह का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, और वहां पर कांग्रेस ने इलेक्शन में जीत हासिल करी। किस तरह से इन योजनाओं की घोषणा से राजस्थान में भी मिशन रिपीट हो सकता है। अपने आप में एक अलग किस्म का कार्यक्रम है, क्योंकि हम ऐसी शख्सियत के सुजीत, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें झुंझुनू से, जहाँ कुछ ही देर में सभा स्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ कुछ ही देर में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। और हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता।